हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? सब अच्छे होंगे और अच्छे ही होने चाहिए। एंड हैप्पी गुरुपुरब टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। सो मैं अभी जा रही हूँ गुरुद्वारा, नियर अबाउट ईयर की दूर नहीं जा रही। सो चलते गुरुद्वारा, हम बता ठीक क्या आते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। फ्रेंड्स अब हम जा रहे हैं, मेरे साथ है कौन? कलिका। तो गुरुद्वारे जा रहे पैदल पैदल, क्योंकि रिक्शे दिख नहीं रहा, पास ही है। पूरी जगह ऐसे सुनसान हो रखी है ना, दूर है ये, रिंकू भी नहीं। नहीं नहीं गली कैसे हो रखी है सुनसान। नहीं तो यहाँ पे इतनी भीड़ होती है ना, तो चलने की जगह नहीं होती। सही कह रही हो, सही बात है। आपको दिखाती हूँ रास्तों का हाल, देखो पूरा खाली पड़ा है। तो भी एक एक बंदे, बट यहाँ पे ना जाम लगा रहता है, ट्रैफिक रहते ही रहते हैं हमेशा। चलो चलते हैं गुरुद्वारा फिर। दर्शन कर लिया, बहुत अच्छे से दर्शन हुए हैं, है ना। सो ये हमारे जो दसवें गुरु हैं, गुरु गोविंद सिंह जी, उनका प्रकाश पूर्व है। ये आज हम आए हैं गुरुद्वारा मत्था टेकने के लिए, वैसे ही आते रहते हैं हमारा तो। सो चलिए चलते हैं। इतना रश हुआ करता था, राज देखिए पूरा खाली हो रखा है। ये मेरा सिनेमा के जो सामने अच्छा, ठीक है भैया। मंडी लगी होगी, बट मंडी उठा दी गई है, तो अब हम घर जा रहे हैं। घर चलते, घर कैंडल लगाते हैं बस। फ्रेंड्स अब हम घर आ चुके हैं, सब चलते हैं। पहले कपड़े चेंज, फिर सैनिटाइज, उसके बाद चेकिंग, बाकी काम। A few minutes later, friends, मैंने ड्रेस वेस चेंज कर ली, सैनिटाइज कर लिया, और कैंडल लेके बैठ गया। अब हम कैंडल जलाने जा रहे हैं। कहाँ पे? बाहर बालकनी में। क्या? और तो पर जल ही रहा है। ठीक है, छत पे जाएंगे, है ना। अब बारिश आ गई तो देख चुप भी आते हैं। छुपा के करे, छुपा के आएंगे। मम्मी मम्मी मैं तुम बचा मारते जल। ठीक है, पूरा आपने देखा ना रास्ता कैसे पूरा खाली हो रखा है। और मैंने सोचा था वहाँ एक्चुअली संडे मार्केट भी लगता है, थोड़ा बहुत लगा था, बट वो भी पुलिस वालों ने हटा दिया क्योंकि वहाँ पे भीड़ ज्यादा जमा हो रही थी। मम्मी तो सब्जी लेना भी नहीं हुआ मेरा, तो कल देखते गली में आएगा तो कल ले लेंगे। सो छास बोल रहे थे तेज कि जस्ट अभी चढ़ के आई। हाँ जी चलो बेटा, अभी चलते हैं। चलो फिर कैंडल जलाते हैं और फिर दलाती घर आएंगे। किसी कर दो मम्मा को। अच्छा बोलो फ्रेंड्स, हैप्पी हैप्पी गुरु दिल पूरा मम्मा।
पूरब पूरब। सो फ्रेंड्स, अभी इसकी ऑपरेशन तो हो गई है, बट इसकी थेरेपी की भी नीड है। तो कोरोना थोड़ा ठीक होगा तो फिर हम इसकी थेरेपी कराएंगे, फिर ये बिल्कुल ओके हो जाएगा, क्योंकि इसकी सर्जरी लेट हुई है तो इसको आदत हो गई इस तरीके से बोलने की। तो अब इसकी कुछ मंथ की थेरेपी होगी, फिर ये इसका क्लियर हो जाएगा। नो, गंदी गंदी चीज होती है ऐसे करनी। चलो चलते हैं। चलो फ्रेंड्स, हम भी चलते हैं। पहले हमने ग्रिल में लगाया, बट हवा इतनी तेज चल रही है कि बुझ जा रही, तो फिर हमने नीचे लगाया और हमने कैंसिल कर दिया ऊपर जाना भी कैंसिल कर दिया, क्योंकि हवा इतनी तेज चल रही, मोमबत्ती नहीं चलेगी। तो कोई नहीं, बारिश कितनी हुई है ना, दो दिन सब जम के बारिश हो रही है जम के। मम्मी डर नहीं होते हो? मेरे को देख लो, बिना स्वेटर के खड़ी हूँ, जाके स्वेटर पहन ली, मुंह से भी धुआं निकल रहा है। मैं आम आती दे रहा जी, देखो आ करो और फू करो, धुआं निकलेगा मुझे। चलो फिर से चलते हैं। को मैं जो हमारे घर में एक ना मतलब भगवान बाबा जी की फोटो लगी है वो आपको दिखाती हूँ। देखने के लिए बैठी कि तो कुछ देख लेती हूँ, क्योंकि विक्की है नहीं, तो मैंने कहा चलो कुछ देखने को मिलेगा। बट किस किस के घर में यह हाल होता है कि हस्बैंड जाए कहीं तो सोचते टीवी देखे, बट बच्चों के कारण फिर नहीं देख सके। ये बैठ गया मजे से, क्या देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, कौन सा कार्टून है? फुकरे है ना, खुद लगा लेता, कौन से चैनल में आता है अपने आप, कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, कुछ लगाती हूँ चैनल चेंज करके बैठ जाएगा। देखिए, और फ्रेंड्स किसके घर में हालत होता है भाई, मेरे घर तो भाई छोटा है तो कहाँ सुखाऊं कपड़े, बारिश अलग आ रही है, कपड़े सूख, देखो कपड़ों के हाल, सोफों में ऐसे 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 सारे जगह कपड़े टांग रखे हैं, उस कमरे में भी यही हाल है। यह हाल होता है, इतना बुरा हाल हो रखा है, इतना दुखी हो रखे हैं, बारिश हो ही जा रही है, जैसे कपड़े टांग के आती बारिश स्टार्ट हो जाती है। आज तो भी कम दिन में तो हुई नहीं टांगे, बट कोई फ़ायदा नहीं हुआ, वो तो भी सिलन सिलन हल्के हल्के पड़ी हुई है, और बस वैसे ही सूखेंगे। फिर सूखते तो कैसी स्मेल आती है, अच्छा भी नहीं लगता कि धुले हुए कपड़े पहन रहे कि वैसे ही कपड़े पहन रहे हैं, बहुत दिक्कत है। सबसे गंदी लगती मुझे तो बारिश, वो भी ठंड के टाइम पे, तो सबसे ज़्यादा आफत, कपड़े नहीं सूखने को राजी होते हैं। और आज तो मैं कुछ नहीं बना रही डिनर, आज मेरी मदर इन लॉ बना रही है बैंगन का भरता, क्योंकि बैंगन का भरता मम्मी बनाती है, मैं नहीं बनाती। सो आज मम्मी बना रही है बैंगन का भरता और हम मस्त इन्जॉय करेंगे। कौन कौन देख रहा है इंडिया बेस्ट डांसर, आज फिनाले है ना, देखते कौन जीतता है। फ्रेंड्स, मम्मी ने बना दिया है बैंगन का भरता, सो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, चले दांत देख लो, सॉरी दांतें दिख रही है, चलिए चलते हैं देख के आते हैं, है ना, खाएगा ना चीती? कल से स्कूल खुल रहे हैं तो हो गए विंटर वेकेशन खत्म, कल से स्कूल मन जी जी, है ना, तोला सुबह सुबह उठना होगा। और मैं वैक्सीन, अच्छा कह रहे वैक्सीन लगा लेंगे, पहले हम जल्दी चौथे फिर उठते फिर डाल रहे। चलो आपको दिखा के आती हूँ। लास्ट में डलेगा बस, धनिया पत्ता, ये हो गया रेडी। और चीज दिखाती जो हमारी डॉगी है उसका दिखाती इसको कपड़े पहनाया जा रहा है बाल काट दिया ना इसके, चल कंबल में घुस जा, सो जा, रात को सोती नहीं, बिजली चमकती है तो देख। तो फ्रेंड्स, आपने देखा मम्मी कैसे रख रही है उसको, मम्मी इनफैक्ट रियली उसको बच्चे की तरह रखती है और बहुत केयर करती है। वैसे भी अभी उसके एक्चुअली बाल कटवा के लाए हैं, तो ठंड में नहीं कटवाते हैं, बट उसके हेयर्स में ना गुंजले बन गई थी, तो इस वजह से कटवाने पड़े। उसको स्वेटर पहना रहे थे ना, तो वो स्वेटर के अंदर ही गुंजले बनती गई, तो कॉम हो नहीं पा रहा था,
तो इसलिए उसके बाद कटवा के आया, तब उसे ठंड लगे तो उसने स्वेटर पहनाते उतार के फेंक देती, तो मम्मी वही पहना रही थी और डांट रही थी। तो कोई नहीं, एनिमल है तो क्या, वो भी हमारे फैमिली का मेम्बर है तो उसको वैसे ही रखा जाता है। सो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो एंड करती हूँ। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सो गाइज, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय, अच्छे से रहिए, सेफ रहिए, घर में रहिए, मास्क लगा कर, घर में नहीं मास्क लगाना, मीन्स जब भी बाहर जाए तो मास्क और सैनिटाइजर जरूर अपने साथ रखें, मास्क लगा के रखें, सैनिटाइजर अपने साथ रखें और दूरियाँ बना के रखें। सो बाय।